हेलो एवरीवन, मैं चित्रा महुरे। वेलकम टू फूड मेनिया 24/7। आज हम बनाएंगे बेसन की मीठी रोटी। सबसे पहले एक कढ़ाई में मैंने एक कटोरी देसी घी लिया है और यही कटोरी से मैंने दो कटोरी बेसन लिया है। और अब हमें धीमी आंच पर इस बेसन को भूंज लेना है। अच्छा ब्राउन कलर आने तक हमें इसे भूनना है। 15 से 20 मिनट तक हमें इसे चॉकलेट ब्राउन कलर आने तक भूंज लेना है। अब दूसरे पैन में हमें बनानी है चाशनी। इसके लिए हमें चाहिए 1.5 कटोरी चीनी और 1 कटोरी पानी। इसे हिलाते रहना है और बबल आने के बाद हमें चेक करना है। एक तार से थोड़ी ज़्यादा चाशनी हमें बनानी है और इसमें हमें डालनी है 1/2 चम्मच इलायची पाउडर। अब हमें इस भुने हुए बेसन में डालनी है यह गर्म चाशनी। गरम चाशनी डालने के बाद हमें तुरंत हिलाते रहना है ताकि गुठलियाँ ना हो, और हिलाने के बाद हमें गैस बंद कर लेना है। बेसन ठंडा हो जाने के बाद हमें इसे पूरनपोली का जो आटा हम बनाते हैं उस तरीके के आटे में भरकर उसे बेलकर सेक लेना है। दोनों साइड से घी लगाना है। इस तरीके से बेसन की मीठी रोटी बनकर तैयार हो जाती है।